नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर। और अगर आपने अभी तक लोकी का एपिसोड 6 नहीं देखा है तो भाई जरूर देखना, एपिसोड 6 बवाल था। और इस वीडियो में हम कैंग की एमसीयू वाली ओरिजिन एंड ही हू रिमेंस की बात करेंगे। ऑल्सो हम उसके टाइमलाइन को भी डिस्कस करेंगे, एज ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था कि आखिर ये जो आदमी हमें दिखाया गया है वो असल में कैंग द कॉन्करर है या ही हू रिमेंस है। क्योंकि जोनाथन मेजर्स, जो एंटमैन एंड द वॉस्प में कैंग द कॉन्करर का रोल प्ले करने वाले हैं, उसी ने यहाँ ही हू रिमेंस का रोल प्ले किया है। और कॉमिक्स में अगर देखें तो ही हू रिमेंस और कैंग दोनों ही टोटली डिफरेंट पर्सन होते हैं। जहाँ ही हू रिमेंस टीवीए का फाउंडर होता है एंड इसी के साथ इसने टाइम कीपर्स को भी क्रिएट किया होता है, वही कैंग एक टाइम ट्रेवलिंग साइंटिस्ट होता है जो अलग अलग टाइमलाइंस में जाकर वहाँ के टाइमलाइंस को कॉन्कर करता है। लेकिन लोकी के इस एपिसोड में जो बंदा हमें दिखाया गया है वो ही हू रिमेंस है एंड कैंग द कॉन्करर इसका एक वेरियंट है। अब यहाँ कैंग द कॉन्करर और ही हू रिमेंस के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस सोच का डिफरेंस है। क्योंकि कैंग एक ऐसा बंदा है जो सब कुछ कॉन्कर करना चाहता है एंड जिस बंदे को हमने टीवी सीरीज में देखा है वो आगे आने वाले मल्टीवर्सल वॉर को प्रिवेंट करना चाहता है। तो भले ही ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही आदमी ने प्ले किए हो, लेकिन ये दोनों ही कैरेक्टर्स कॉन्सेप्ट वाइज टोटली डिफरेंट है। अब अगर आपको फिर भी ये समझ नहीं आ रहा है तो इसे आप इस तरह समझ सकते हो, लोकी और सिल्वी दोनों ही एक ही पर्सन है, लेकिन डिफरेंट टाइमलाइंस में होने की वजह से दोनों का अपीयरेंस और सोचने का तरीका डिफरेंट है। जहां दोनों है तो लोकी ही, लेकिन एक वेरिएंट खुद को लोकी कहता है तो दूसरा वेरिएंट खुद को सिल्वी। एंड कैंग द कॉन्करर और ही हू रिमेंस के बीच यही सीन है, जहां एक वेरिएंट जिसे बिल्कुल थैनोस की तरह लगता है कि जो भी वो कर रहा है वो सब कुछ सही है, वो है ही हू रिमेंस। वही दूसरा वेरिएंट जो उसे लगता है कि उसका इविल वर्जन होने वाला है वो है कैंग द कॉन्करर। अब अगर हम टाइमलाइन की बात करें कि ये सब कैसे हुआ, तो 31st सेंचुरी फ्यूचर में कैंग का एक वर्जन होता है जो साइंटिस्ट होता है। एंड कॉमिक्स में कैंग एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। आफ्टर ऑल फैंटास्टिक फोर का रीड रिचर्ड्स इसका एंसिस्टर जो है, तो स्मार्टनेस वाला स्टफ काइंड ऑफ इसके खून में ही है। अब एक दिन जब वो रिसर्च कर रहा था तब उसे रिसर्च करते करते ये समझ आता है कि उसके जैसे और भी यूनिवर्सेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं जो काइंड ऑफ एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है, और उन यूनिवर्सेस में उसके नए इन्वेंशन की मदद से ट्रेवल भी किया जा सकता है, जहां उसका नया इन्वेंशन मे बी टेम्पर्ड हो। क्योंकि मल्टीपल अर्थ वाली थ्योरी तो श्रोडिंगर ने 1926 में ही प्रपोज करी थी एंड हमने मेरे एंड क्रेडिट ब्रेकडाउन वाली वीडियो में श्रोडिंगर के इक्वेशन को भी देखा है। तो पॉसिबली टेम्पर्ड ही उसकी रिसर्च एंड इन्वेंशन है, जिससे कि वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के अलावा अल्टरनेट टाइमलाइंस में भी जा सकता है। अब जिस टाइमलाइंस में वेरिएंट क्रिएट होते हैं उसे हम यहाँ ब्रांच टाइमलाइन कहते हैं। एंड मे बी कैंग के इस वर्जन को भी ये समझ आता है कि अगर उसके डिसीजन पर कोई ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होती है तो वो भी किसी एक ब्रांच टाइमलाइन का पार्ट होगा। अब जिस तरह कैंग का ये साइंटिस्ट वेरिएंट मल्टीवर्स का पता लगाता है, उसी तरह जो बाकी यूनिवर्सेस थे उनमें भी कैंग के बाकी वेरिएंट्स को ये मल्टीवर्स वाला सीन समझ आता है, जिसके बाद वो लोग टेम्पेट की मदद से एक दूसरे के यूनिवर्स में जाकर अपने वेरिएंट से मिलते हैं। अब स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि सभी वेरिएंट्स के लिए ये सब कुछ नया जो था, तो उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, जहां ये लोग अपने अपने यूनिवर्सेस के बेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड नॉलेज को शेयर करके बाकी यूनिवर्सेस को इम्प्रूव करने में मदद करते एंड इन्होंने साथ मिलकर रिसेट चार्ज भी इन्वेंट किया, जिसे आप यहां नोटिस भी कर सकते हो। अब जैसे जैसे ये लोग इम्प्रूवमेंट के चक्कर में बाकी और यूनिवर्सेस को विजिट करते तो उन डिफरेंट रियलिटीज के वेरिएंट्स, जिन्हें उनके यूनिवर्स के इम्प्रूवमेंट से कुछ लेना देना नहीं था, उन्हें भी अब मल्टीवर्स का पता चल चुका था। और जैसे हमने लोकी के डिफरेंट वर्जन देखे जो ना सिर्फ देखने में अलग थे बल्कि उनकी पर्सनैलिटीज भी अलग होती है, तो बिल्कुल इसी तरह ही यू रिमेंस भी कहता है कि उसका हर एक वर्जन अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस नए पावर से कुछ डेवलपमेंट नहीं करना चाहते थे। उनके लिए नया यूनिवर्स मतलब कॉन्कर करने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी थी, जिसके बाद अल्टीमेटली इन सारे इविल वेरिएंट्स के बीच एक वॉर स्टार्ट होता है। वो लोग बेसिकली खुद के यूनिवर्स को बचाने के लिए बाकी सारे यूनिवर्सेस को मिटा रहे थे, और इसी का एक कार्टूनिश विजुअलाइजेशन हमने लोकी के एपिसोड 1 में देखा, जब मिस मिनट लोकी को टीवीए का इंट्रोडक्शन दे रही थी। तब उसमें जो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे वो बेसिकली कैंग के ही वर्जन्स होते हैं, जिन्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मिस मिनट यह कार्टूनिश स्टाइल में दिखाती है। अब जब ये सब चल रहा था तो कैंग का जो सबसे पहला वेरिएंट बना उसने एलियोथ को डिस्कवर किया। अब एलियोथ एक ऐसा क्रिएचर है जो क्लाउड की तरह दिखता है, और अगर हम उसके कॉमिक्स के ओरिजिन की बात करें तो एलियोथ की एज सच तो कोई भी कॉमिक बुक ओरिजिन नहीं है,
लेकिन यहाँ इस सीरीज में ये एक्सप्लेन किया गया है कि एलायोथ सारे रियलिटीज के दुख और दर्द से पैदा हुआ है, जिसकी वजह से वो टाइम और स्पेस दोनों को खा सकता है। सो कैंग के इस वेरिएंट के हाथ एलायोथ लग, उसने सबसे पहले उसके पावर को हार्वेस्ट करना स्टार्ट किया एंड उसने उस पर कई एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए, जिससे कि वो एलायोथ को समझ सकता ताकि वो उसे कंट्रोल करके मल्टीवर्स को खत्म कर सके। तो कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसे वो कंट्रोल करना सीख जाता है, जिसके बाद वो एलायोथ को एज अ वेपन के तौर पर यूज करता है। अब सबसे पहले वो खुद की जो टाइमलाइन होती है उसे वो कुछ जुगाड़ करके बाकी टाइमलाइन से अलग कर देता है एंड उसे वो सिक्योर करता है। उसके बाद जितनी भी टाइमलाइंस बची होती हैं, उन पर वो एलायोथ को छोड़ देता है, जिससे कि एलायोथ सभी को खाकर बिना डकार मारे मल्टीवर्स का वॉर खत्म कर देता है, जिसके बाद वहाँ बस एक ही टाइमलाइन रहती है एंड कैंग का जो वर्जन आखिरी में बचता है वो खुद को ही हू रिमेन्स कहने लगता है, एज वो कैंग का आखिरी वर्जन था, ही हू रिमेन्स। अब ये जो आखिरी टाइमलाइन जिसके आसपास वो खुद को आइसोलेट करता है, उसे वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहता था ताकि वहाँ उसके रियलिटी में ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट ना हो जाए। इसीलिए वो टीवी का क्रिएशन करता है जो उन सभी टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से मल्टीवर्सल वॉर फिर से शुरू हो सकता है। खैर, अब टीवी के क्रिएशन के बाद उसको मैन पावर की जरूरत थी, इसलिए वो उन सभी वेरिएंट्स को ब्रेन वॉश करके उन्हें टीवी में काम पर लगा देता है, जिनकी ब्रांच टाइमलाइन उसने रिसेट कर दी थी। एज अब उनके पास वापस जाने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तो मे बी उन्हें प्रून करने के बजाय वो उन्हें फैक्ट्री रिसेट मारकर काम पर लगा देता है। एंड एज वहाँ काम करने वाले सारे ह्यूमंस होते हैं, तो उनकी बिलीफ के लिए कि यूनिवर्स में कोई तो एक हायर पावर है और वो सब उसके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो उनके सामने नकली टाइमकीपर्स का कॉन्सेप्ट अरेंज करता है एंड उसके इसी टाइमकीपर के कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए वो मिस मिनट का यूज करता है, जो जार्विस और फ्राइडे की ही तरह 31st सेंचुरी की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। पर एज ये 31st सेंचुरी से बिलोंग करती है, तो इसके पास एक होलोग्राफिक शरीर भी होता है। अब मिस मिनट्स वेरिएंट्स को ये मल्टीवर्सल वॉर का कॉन्सेप्ट कार्टून विजुअलाइजेशन में इसलिए दिखाती है क्योंकि जो चीज हम विजुअली देखते हैं उसका इम्पैक्ट ऑडियो के कंपैरिजन में ज्यादा होता है एंड ये देखते समय सच भी लगता है। अब एज कैंग का ये वर्जन फ्यूचर से पास्ट में आता है, तो उसे एक पॉइंट तक सब कुछ मालूम होता है। वो हर एक इंसान, भगवान, स्क्रल, वैम्पायर, उसे सब कुछ पता होता है क्योंकि उसने वो सारी पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी देख रखी होती हैं, जिसकी वजह से वो उस टाइमलाइन को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहता है। प्लस यहाँ वो इतने सालों से ये सब कर रहा होता है कि वो खुद को मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड बताता है। और अगर आप सोच रहे हो कि वो इतना ओल्ड होने के बाद भी यंग कैसे दिखता है, तो भाई इसका बस एक ही जवाब है, संतूर। वो पक्का संतूर लगाता है। अरे नहीं, ही हू रिमेन्स एक ऐसी जगह रहता है जहाँ टाइम डिफरेंटली चलता है। इनफैक्ट जहाँ वो रहता है वहाँ टाइम ही नहीं चलता, क्योंकि वो टाइमलाइन के बाहर एग्जिस्ट करता है एंड वो सॉर्ट ऑफ एलायोथ से सराउंडेड भी है, तो टाइम और स्पेस उस तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली ही हू रिमेन्स बूढ़ा नहीं होता, एज वो ऐसे एरिया में रहता है जहाँ टाइम नहीं चलता एंड में जहाँ लाइट नहीं चलती। ऊपर से उसे सारी पॉसिबिलिटीज पहले से पता होती है, तो वो जो चाहिए वो टाइमलाइन इजीली डिलीट करके उसे अपने अकॉर्डिंगली शेप करता है। लेकिन एज उसके मरने के बाद किसी को भी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पता नहीं होगी कि आगे जाकर क्या क्या खतरे आ सकते हैं एंड आगे जाके क्या हो सकता है, तो उसके अलावा इस टाइमलाइन को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए उसके मरते ही मल्टीवर्स क्रिएट हो जाता है। पर यहाँ वॉर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। वॉर तब स्टार्ट होगा जब इसके बाकी वेरिएंट्स एक दूसरे से फिर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे एंड ये सारी चीज फिर से रिपीट होगी। तब स्टार्ट होगा असली मल्टीवर्सल वॉर एंड क्रिएशन होगा कैंग द कॉन्करर का एंड इवेंचुअली टीवीए का भी। एज एंडिंग में सिल्वी ही हू रिमेन्स को ही हू डजंट रिमेन करती है, तब वो जाते जाते उसे कहता है आई विल सी यू सून, जिसका मतलब आइदर ये सारी चीजें फिर से लूप में चलेंगी या फिर मल्टीवर्स के खुल जाने की वजह से कैंग का क्रिएशन होगा एंड वहां पर राज करने के लिए उसकी जगह कैंग का कॉन्करर आएगा। अब जाते जाते लाइक और कमेंट कर दियो, बाकी सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा तुमने। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए मल्टीवर्स की जय हो।